नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूपी के संभल में कल्कि धाम का शिलान्यास किया। लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या के राम मंदिर के बाद ये दूसरा बड़ा आध्यात्मिक स्थल है जिसकी उन्होंने आधारशिला रखी है। वो बोले कि जो अच्छे काम रह गए हैं उन्हें वो पूरा करके रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला रखने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि भक्ति और आध्यात्म एक और धारा प्रभावित होने की ललिता है। आज एक और पवित्र धाम की नींव रखी गई है। मुझे भव्य कल्कि धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि यह भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि 18 साल के इंतजार के बाद यह अवसर आया। उन्होंने आचार्य से कहा कि वैसे भी कुछ अच्छे काम ऐसे हैं जो कुछ लोग मेरे लिए अच्छा काम छोड़कर चले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इस मौके पर छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, पिछले दिनों जब प्रमोद कृष्णम जी मुझे निमंत्रण देने आए थे, जो बातें उन्होंने बताई उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि आज जितना आनंद उनको हो रहा होगा उससे कई गुना आनंद उनकी माता जी को हो रहा होगा। माँ के वचन के पालन के लिए एक बेटा कैसे जीवन खपा सकता है, ये प्रमोद कृष्णम जी ने बता दिया। प्रमोद कृष्णम जी बता रहे थे कि यह मंदिर विशिष्ट होने वाला है। यह ऐसा मंदिर होगा जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और भगवान के सभी 10 अवतारों को विराजमान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे कहते हैं कि प्रमोद कृष्णम स्वागत प्रवचन में कह रहे थे कि हर किसी के पास देने के लिए कुछ ना कुछ होता है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं, मैं सिर्फ भावनाएं व्यक्त कर सकता हूं। अच्छा हुआ प्रमोद जी ने आपने कुछ नहीं दिया, वरना जमाना इतना बदल गया है कि आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देता तो वीडियो निकल जाती, सुप्रीम कोर्ट में PIL हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे, इसमें हम क्यों फंसे। अच्छा हुआ कि आपने कुछ नहीं दिया। मैं इस शुभ कार्य में अपना मार्गदर्शन देने के लिए पधारे सभी संतों को नमन करता हूँ। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को बधाई देता हूँ।